teacher also excitement to teach. So many students are there, their names are written in front of me, and we have this assignment. Few of students or many students may be having this assignment. No problem, even if some students are not having this assignment on light, we will discuss it on this projector, on the digital board. Each and every question will be visible. Whatever will be the basic required, that will be discussed alongside. And for your kind information, all the basics required for this assignment have already been covered. So you have to maximum participate. I will ask the questions from you also, and you have to participate. Okay. Let's, without any delay, start the game. Four cardboard tubes were used to see the toy robot. Look, this is your toy robot. This is your what? What is this? Toy robot. Okay. And four students are trying to see this. One student is standing here, another is standing here, another is standing at Y position, another is standing at Z position. Okay. And in the situation, there are certain mirrors. Where are these mirrors? Look, this is a mirror, and this one is also mirror. This one mirror. No, this is cardboard. This is cardboard. So this is mirror. Where the teacher has put arrow, those are the mirrors. Okay. Now the question is, why robot cannot be seen at hole Y? Y hole पर जो बच्चा खड़ा होगा, उसको ये रॉबर्ट क्यों नहीं दिखाई देगा? Can anybody answer me? Like in the seventh class, let me ask Manraj बेटे, seventh A, can you please answer me? The student standing at Y position is unable to see this robot. Can you tell me why? Okay, seventh A में से कोई भी बच्चा, हाँ जी बोलो बोलो. Not in straight line. वेरी गुड, ही सेज दैट दिस पाइप इज नॉट इन स्ट्रेट लाइन. बट बेटे लेट मी टेल यू, इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स यू हैव टू यूज द साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी. तो आप कहोगे दिस इज अ बेंट ट्यूब, कर्व्ड ट्यूब, बट द लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन. कैन यू टेल द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन? एनी बॉडी? लाइट. शाबाश, लाइट अपने आप से स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकती है. हाँ, मिरर वगैरह उसको मोड़ सकते हैं. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा बच्चों ने बताया, और मेरे सभी बच्चों ने सक्सेसफुली बताया कि उस प्रॉपर्टी का नाम है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन. रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन. प्रोपेगेशन माने एडवांसमेंट, आगे बढ़ना. वाई वाले को इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो कर्व्ड है. पर बेटे डब्ल्यू वाला भी तो पाइप कर्व्ड है, उसको भी नहीं दिखाई देना चाहिए. वो क्यों आपने यस बोल दिया फिर? कैन एनीबॉडी आंसर? जानवी, सेवंथ बी क्लास, जानवी बेटे, क्या आप मेरे को बता सकते हो, टीचर कह रहा है कि डब्ल्यू वाली पाइप भी तो टेडी है, उसको रॉबर्ट फिर भी दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? वेरी गुड, वेरी गुड. सो क्लैप फॉर दिस चिल्ड्रन, क्योंकि ये बच्चा समझ गया सर. रॉबर्ट से जो लाइट आएगी ना, वो स्ट्रेट लाइन में गई, यहाँ मिरर से रिफ्लेक्ट करके रिफ्लेक्शन प्रोसेस हुई, तो जो डब्ल्यू के ऊपर जो भी ये बच्चा खड़ा है उसकी आंखों में पहुंच जाएगी. जैसे ही ऑब्जर्वर की आंखों में लाइट पहुंचती है, तो इस चाइल्ड को रॉबर्ट दिखाई देगा. एक्स वाले बच्चे को दिखाई देगी? यस और नो? यस, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में है. अच्छा, डब्ल्यू, एक बच्चा यहां खड़ा है, एक बच्चा यहां खड़ा है जेड पोजीशन पर,
क्या इस बच्चे को ये रॉबर्ट दिखाई देगा? आई आस्क दिस क्वेश्चन. अनमोल ऑफ सेवंथ सी, अनमोल ऑफ सेवंथ सी. बेटे W वाले बच्चे, सॉरी Z वाले बच्चे को रॉबर्ट दिखाई देगा या नहीं देगा? अनमोल बेटे प्लीज रिप्लाई. मैं बता दूं आपको, Z वाले को ऐसे Z शेप पाइप मिली है और यहां पर दो मिरर लगे हुए हैं, प्लेन मिरर्स. क्यों दिखाई देगी बेटे? यस तो आपने बोल दिया, आपका आंसर सही है. क्यों? शाबाश, वेरी गुड. क्योंकि ये बच्चा मेरे को, आई कैन से करेक्ट आंसर, क्योंकि ये मेरे को बच्चा कह रहा है कि सर असली बात यह है कि लाइट यहां से ऐसे गई और फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्ट करके नीचे आई और यहां से फिर रिफ्लेक्ट करके ऑब्जर्वर की आंखों में चले जाएगी. बिल्कुल दिखाई देगा. और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि जो जब वार के वक्त सोल्जर्स हमारे लड़ाई लड़ते हैं तो वो इस तरह के डिवाइस यूज करते हैं. यू नो हाउ? क्योंकि बेटे वो ना अपने आप को ऐसे जमीन में खड्डा करके उसमें अपने आप को छुपा लेते हैं और यहां से एक पाइप निकालते हैं मिट्टी के अंदर अंदर से, और ये पाइप ऐसे मिरर लगा होता है, फिर पाइप को ऊंचा खड़ा कर देते हैं. इस पाइप की शक्ल पेड़ के तने जैसी होती है, दिखाई नहीं देती. फिर एक पाइप ऐसे होती है. तो यहां पर अगर कोई दुश्मन स्टेन गन लेके खड़ा हुआ है, दुश्मन सोल्जर, एनिमी सोल्जर, तो उसकी फोटो इस मिरर में आएगी, इसकी फोटो इस मिरर में आएगी, और हमारे सोल्जर को इस पिट के अंदर बैठे हुए, खड्डे के अंदर बैठे हुए ही पता लग जाएगा, बंकर के अंदर बैठे हुए, कि वो सोल्जर खड़ा है, एनिमी सोल्जर. वो आपको अपने आप को खुद को बिना दिखाए सोल्जर, जो एनिमी सोल्जर है उसको शूट कर सकता है. जानते हो ये जो जेड टाइप डिवाइस करके दिखा रखी है, ऐसे वाली एक पाइप, ऐसे तीन पाइपें जोड़ के, और उसके बाद ये जो मैंने अभी आपको डिवाइस बताई कि उसमें ऐसे ऐसे मिरर भी लगे हुए हैं, दो प्लेन मिरर, और लाइट इधर से आया, इधर गया, इधर इस ऑब्जर्वर को दिखाई दिया आंख में. तो ये जो चीज है ना, कि इस इसको का नाम बता सकता कोई बच्चा बेटे? एनीबॉडी हु कैन टेल मी द नेम ऑफ दिस डिवाइस? पेरिस्कोप. शाबाश, ये पेरिस्कोप इसका नाम है. इस बच्चे को शाबाश जिसने जवाब दिया पेरिस्कोप. इस तरह से हम दीवार की परली तरफ क्या हो रहा है उसको भी देख सकते हैं यहां पर अपने आप को छुपा कर. राइट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया और उसके बाकी क्वेश्चन भी. द सेटअप ऑफ विच द इंस्ट्रूमेंट इज ऑब्जर्व्ड एट W एंड Z ड्यू टू विच रॉबर्ट कैन बी सीन एट दिस होल्स. कौन सी सेटअप है वो? प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन मिरर्स. We can observe the robot through X. Which property of the light? Light is shown by comparing the paths at X and Y. X के ऊपर तो कोई भी मिरर नहीं है, स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन. और Y के ऊपर तो कभी भी नहीं जा सकती लाइट, क्योंकि वो कर्व्ड है. अगर लाइट यहां से चलेगी, यहां अटक जाएगी बेटे, तो ऑब्जर्वर के आंख में जाएगी नहीं, जाएगी नहीं तो दिखाई नहीं देगा रॉबर्ट. ऑल क्लियर? अगर क्लियर है तो हाथ वेव करो. शाबाश, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. शाबाश, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. लुक हियर, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज. मेरे को इसका जवाब चाहिए सेवंथ डी के बच्चे गुरजोत से. गुरजोत सेवंथ डी, प्लेन मिरर के इमेज का कौन सा गुण इसमें सही है? बोलो गुरजोत. वर्चुअल. वर्चुअल. क्या कोई और भी क्लियर है बेटे, और भी सही है? वर्चुअल तो आपका ठीक है, क्या कोई और भी सही है? सी ऑप्शन. सी ऑप्शन भी सही है. ओके,
क्योंकि टीचर ने जब प्लेन ऑफ मिरर बोला था, तब उन्होंने बोला था कि जैसे ये ऑब्जेक्ट खड़ा होगा वैसे ही उसका इमेज दिखाई देगा प्लेन मिरर में। और क्या बताया था, ये वर्चुअल है, इसको टच नहीं किया जा सकता। और क्या, इक्वी डिस्टेंट है, वी का डिस्टेंस यू के बराबर है। और क्या बताया था, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के बराबर, इक्वी साइज्ड। तो इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। अगर एक ही ऑप्शन का करेक्ट बनाना होता तो मेरे को यहां पर क्या लिखना चाहिए था, इरेक्ट की जाए इन्वर्टेड लिख देता, क्योंकि प्लेन मिरर में उल्टा तो दिखता नहीं है इमेज, तो वो ऑप्शन गलत हो जाता फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिफ्लेक्टर। इनमें से कौन सी चीज लाइट को वापस रिफ्लेक्ट नहीं करती। हाँ जी, मेरे को ये कौन सा सेक्शन है, सेवंथ जी में सबसे आगे वाली गुड़िया ने हाथ खड़ा करा हुआ है, सेवंथ जी। शाबाश, बताओ बेटे। अ वुडन टेबल। बेटे ये बच्चा कह रहा है सर वुडन टेबल रिफ्लेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि बेटे जो लकड़ी होती है ना, ओरिजिनल लकड़ी, उसके ऊपर शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग वाला पॉलिश नहीं किया होता। तो लाइट जब इस पे ऊपर गिरती है, राइट, तो वो गिरती है तो वो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर पाती है डिफ्यूज्ड की तरह, उसमें कभी भी पैरलर बीम आके पैरलर बीम नहीं जा पाती। जबकि बाकियों देखो, क्लियर सरफेस से, वाटर सरफेस से पैरलर बीम जाएगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन। शाइनिंग स्टील स्पून, ये भी बहुत ज्यादा चमकता है, मिरर तो आपको पता ही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में अगर हम ये लगा दें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड रिफ्लेक्टर, तो लैंग्वेज और ज्यादा अच्छी बन जाएगी। करेक्ट, ऑल क्लियर, रिवेव योर हैंड। ओके बेटे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ये चाहता हूं मेरे को सेवंथ एफ में से महक बच्चा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े, सेवंथ एफ में से महक बच्चा। कैन यू प्लीज हेल्प योर टीचर टू रीड दिस क्वेश्चन। बेटे सेवंथ एफ में से महक बच्चा, शायद आया नहीं होगा बच्चा। ओके, क्या सेवंथ ई में से दिवांश बच्चा पढ़ सकता है ये क्वेश्चन। दिवांश, सेवंथ ई दिवांश, यस ही इज कमिंग, आई थिंक नॉट कमिंग। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, स्टूडेंट्स आर सीम्स लेस डेयरिंग। सो मैं उसको पढ़ता हूं। वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट एज लाइट गेट्स डैश फ्रॉम इट। हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब रोशनी उससे क्या होती है, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड, अमिटेड, डिफ्लेक्टेड। बताओ इसमें कौन सा सही। मेरे को ये देखो, सिर्फ एडमिट करो, मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए सेवंथ जी क्लास से। विनीत, वनीत, सेवंथ जी में वनीत, सर वनीत। एब्सेंट। ओके, सेवंथ जी में से ही वंश, वंश बताएगा इसका आंसर। एब्सेंट। सेवंथ जी में से तेजस्वी, तेजस्वी सेवंथ। सर रिफ्लेक्टेड। हाँ जी, जब भी हमें कोई चीज दिखाई देती है तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, जैसे बेटे
सपोज करो यहां पर एक बच्चे के पापा खड़े हैं और यहां पर वो बच्चा खुद खड़ा है। अगर ये दोनों अंधेरे कमरे में खड़े हों तो बिल्कुल अंधेरे कमरे में तो इस बच्चे को इसके पापा दिखेंगे ही नहीं, लेकिन जैसे ही उस कमरे में लगा हुआ बल्ब ऑन होगा तो बल्ब से लाइट इसके पापा के फेस पे और बाकी बॉडी पे गिरी, वहां से रिफ्लेक्ट करके इस बच्चे की आंखों में आई, तो इस बच्चे को अपने पापा का फेस दिखेगा। तो इसका मतलब चाइल्ड वॉज एबल टू सी द इमेज ऑफ फादर बिकॉज लाइट वॉज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंटली फादर। लेकिन एक मेरे को एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था, देखते हैं कौन बच्चा उसका जवाब देता है। वो कह रहा है सर मान लो इस कमरे में यहां पर आपका बल्ब लगा हुआ, मैंने कहा ओके, और आप यहां पर खड़े हो करेक्ट, बल्ब से आ रही लाइट आपको स्ट्रेट दिख रही है, अब बीच में कोई रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रही, तो क्या आपको ये बल्ब दिखाई नहीं देता? मैंने कहा हो दिखाई देता है। तो कह रहे यहां रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रही, आपने तो रिफ्लेक्शन बोल दिया, तो बताओ फिर मेरे को उस बच्चे को क्या जवाब देना चाहिए? है कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट ओवरऑल सारी क्लासों में जो इसका जवाब दे सके कि सर यहाँ रिफ्लेक्शन तो हुई नहीं, आप हमें डायरेक्टली लीनियर प्रोपोगेशन। शाबाश शाबाश, हम कहेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट से अगर आ जाए तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, तब भी दिखाई देता है। ओके, डायरेक्टली सोर्स ऑफ लाइट से आ जाए तब भी दिखाई देगा और ऑब्जेक्ट से भी रेक्टिलिनियर की वजह से दिखाई देगा, और जहां पर सोर्स ऑफ लाइट होता है वहां से भी हमें चीज दिखाई देती है, राइट? तो कोई, लेकिन अगर इसकी जगह मैंने यहां पर फोटो लगा दी होती, फोटोग्राफ अंधेरे कमरे में, तो नहीं दिखाई देती वो, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज व्हाट? ध्यान से देखना किसमें पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। आई नीड द आंसर फ्रॉम, 1 मीटर ओ पहले ही जवाब दे दिया बच्चे ने, कौन बहुत सा क्या, व्हाट योर नेम? भारतीय। बहुत अच्छे बेटे बहुत अच्छे, उसने मेरे को चांस ही नहीं दिया पूछने का, पहले ही जवाब दे दिया, अदरवाइज आई वॉज रेडी टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम अनमोल। एनी हाउ वेरी गुड करेक्ट, इस बच्चे ने जानते हो कैसे 1 मीटर जवाब दे दिया एकदम से, क्योंकि ये बच्चा समझता है कि मेरे सर ने मेरे को समझाया था कि मिरर से जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर ही इमेज खड़ा होएगा, इक्वी डिस्टेंट। जब सर ने हमें ये बता दिया था कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर है, और ये वाली चीज पेपर में 0.5 मीटर दे रखी है, और याद रहे बच्चे इसका जवाब लिख के आ जाते हैं पेपर में, उसने ये वाला पूछा ही नहीं, बिटवीन मिरर एंड इमेज पूछा ही नहीं उसने, तो उसने पूछा है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो इंटेलिजेंट बच्चा क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि ये वाला डिस्टेंस पूछा हुआ टोटल बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो वो क्या करेगा 0.5 इधर से लेगा 0.5 इधर से लेगा, दोनों को ऐड करेगा तब जाके 1 मीटर लिखेगा, 1 मीटर 0.5 + 0.5 आधा मीटर, आधा मीटर जोड़ के हुआ 1 मीटर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं बच्चे, फिर से अपने टीचर का रेस्पॉन्स दो, वेव योर हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड, वेरी गुड, दैट्स लाइक द एनर्जेटिक चिल्ड्रन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास है अनदर क्वेश्चन बेटे, और ये क्वेश्चन देखो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इमेज इन द प्लेन मिरर इज इन द प्लेन 1 मीटर, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देन
the new distance between the object and the image will become how much and why? कौन बच्चा इसको बताएगा मेरे को? इन तीन बच्चों में से कोई भी एक बता सकता है तो आ जाए। मनराज, आरुष, अभिनूर, सेवंथ है। मनराज, आरुष, अभिनूर, इन तीनों में से कोई भी बच्चा इसको अगर बता सकता है तो फ्रंट पे आए। बोलो बेटे प्लीज। 10 मीटर। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्लैपिंग फ्रॉम द टीचर। 10 मीटर, बिल्कुल सही। लेट मी टेल यू हाउ वर्क फॉर द अदर स्टूडेंट्स। बेटे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर से यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है आप सभी को पता है वो इक्वी डिस्टेंट बनता है और वो ये बना। ओके, ये इमेज बन गया। अब हुआ क्या, इन दोनों में ओवरऑल डिस्टेंस हमें दे रखा है 12 मीटर। तो इंटेलिजेंट बच्चा एकदम से समझ जाएगा कि सर ने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से यू बोला था, इमेज का डिस्टेंस मिरर से वी बोला था और हमें समझाया था। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटे। सर टोटल डिस्टेंस 6 मीटर दिया है। बैठो 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 बैठो, समझाता हूँ। टोटल डिस्टेंस 6 मीटर है, नॉट 12 मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड फॉर रेक्टिफिकेशन। सो दिस इज टोटल डिस्टेंस 6 मीटर। अब वो कहता है इसका मतलब ये हुआ टोटल 6 मीटर, बिल्कुल सही। रेक्टिफाई करना होगा, इसका मतलब वो बच्चे का आंसर भी हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो 6 मीटर हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है 1 मीटर मूव करवा दिया, लेकिन वो भी मिरर की साइड पर, मिरर की साइड पर, टुवर्ड्स द मिरर। सो ये बच्चा ब्लू वाला बच्चा ब्लू पोजीशन को छोड़कर रेड पोजीशन पे आ गया, 1 मीटर फॉरवर्ड चला गया। तो उसका इमेज भी तो 1 मीटर फॉरवर्ड आ जाएगा मिरर की तरफ। ओके, तो जो डिस्टेंस 6 ओवरऑल 6 मीटर था, अब ये यू कितना हो गया था, 6 का हाफ 3 मीटर, राइट। अब ये कितना रह जाएगा बेटे यहां से यहां तक, 3 में से 1 कम हो गया। देखो इतना 3 है ना, कैसे पता लगा 3 मीटर है? क्योंकि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज में ओरिजिनल डिस्टेंस 6 मीटर दे रखा है, हमें दिया क्वेश्चन में, पढ़ लो जाए। दिस इज योर 6 मीटर। ओके, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। मैं भी थोड़ी सी गलती खा गया था, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ये अगर टोटल 6 मीटर है तो ओरिजिनल वाला यू 3 मीटर हुआ, राइट। अब अगर ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर आगे चला गया तो ये नया वाला डिस्टेंस कितना बनेगा, कोई बच्चा बता पाए? 2 मीटर। बिल्कुल सही, 2 मीटर। तो अगर ये 2 मीटर है तो ये वाला कितना आएगा उधर से, 2 मीटर, वो भी 2 मीटर आएगा। और 2 मीटर और 2 मीटर को ऐड कर दें तो नया आंसर क्या बनेगा, 4 मीटर। बहुत अच्छे, 4 मीटर इज द आंसर। एक मिनट बेटे, मेरा बोर्ड हैंग हो गया। ऑन ऑफ करना पड़ा बोर्ड को, हैंग हो गया था। हैंग हो गया था।
तो बेटे वी आर मूविंग टू द सेवंथ क्वेश्चन सून. सभी बच्चे तब तक इसका स्टेटमेंट पढ़ लें सेवंथ और एट्थ का. इफ यू हैव द असाइनमेंट विद यू तो सेवंथ क्वेश्चन को हम जरा बोर्ड पे डिस्कस करते हैं डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड पे जब तक वो डिस्प्ले ठीक होता है. सेवंथ क्वेश्चन के अंदर बेटे हमें इस तरह से एक फिगर दे रखा है. ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कह रहा है एक बच्चा. लेट मैं इसको वेरीफाई करूंगा कि ये सही है कि नहीं. ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के ऊपर यहां से एक लाइट आ रही है जो कि नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, इंसिडेंस एंगल. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो बिकम्स 30 डिग्री. ओके ना? यस. ये वाला 30 एंगल ऑफ ग्लास है बेटे, सॉरी 30 डिग्री. दिस बिकम्स 60 डिग्री. तो ये भी 60 डिग्री. एक मिनट जरा बेटे असाइनमेंट निकालते हैं. चलो बेटे अब सेवंथ सेवंथ का ऑप्शन एक बच्चे ने बोला है मेरे को 30 डिग्री बोल रहा है. नहीं बेटे, सेवंथ का आंसर है डी ऑप्शन. 60 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंट. क्यों कोई बता सकता है क्यों 60 डिग्री? कैसे बताया? क्यों बताओ बताओ बताओ. आई सेड इन द सेवंथ क्वेश्चन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60. सर बिकॉज एंगल ऑफ ग्लांस प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस मेक्स 90 डिग्री एंगल. वेरी गुड वेरी गुड. एग्जैक्ट आंसर इन मिनिमम वर्ड्स. प्रेज वर्दी. व्हाट इज योर गुड नेम बेटे जिसने जवाब दिया है? आई एम वेरी हैप्पी. बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा. क्योंकि इस बच्चे को याद था एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑन द प्लेन मिरर. मूव टू द एट्थ क्वेश्चन. इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज 35 डिग्री. 35 डिग्री मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को 35 डिग्री कह रहा है. द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इसमें कितना होएगा? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में कितना एंगल होगा? आई वांट द आंसर फ्रॉम सेवंथ बी अपूर्वा. अपूर्वा सेवंथ बी आर यू प्रेजेंट? शाबाश, आ गया बच्चा शायद. नहीं बेटे. ओके कोई भी ऐसा बच्चा बताए जिसका हाथ खड़ा है. सेवंथ सेवंथ जी में से बताए कोई भी बच्चा. सर 70 डिग्री. 70 डिग्री बिल्कुल करेक्ट. यू नो व्हाई? क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल में अगर ये 35 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो 35 होएगा. और हमसे पेपर में पूछा हुआ है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और रिफ्लेक्टेड रे के लाइट में बीच में एंगल. तो 35 प्लस 35
35 plus 35, it becomes 70 degree. Okay. So let's move to the ninth question, which is on front digital board display. So bete, we are moving to the ninth question. In the ninth question, he is asking the angle of reflection. Shabash, can anybody can reply? 30 degree होएगा ये वाला एंगल, क्योंकि सभी बच्चों को पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 दे रखा है. और एंगल ऑफ ग्लास कितना होएगा बेटे इसमें? एंगल ऑफ ग्लास 60 degree. और अगर ये लाइट इधर को जा रही होती लेकिन भेज दी गई उधर को, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होएगा? एंगल ऑफ, देखो बेटे ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 डिग्री होता है या नहीं होता? 180 में से 30 माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो 30, 60 माइनस हो गया, तो ये कितना बच गया? 120. तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर पेपर में पूछा होता तो 120 डिग्री. ओके, डी का क्या मतलब है? एनीबॉडी सर, एंगल ऑफ डेविएशन. यस, क्वेश्चन नंबर टेन. 10 क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि अगर आपके प्लेन मिरर के आगे ऐसे लेफ्ट वर्ड लिख दूं मैं, लेफ्ट वर्ड दिख रहा है बेटे? वो कह रहा है प्लेन मिरर के आगे मैंने ये इंग्लिश का वर्ड लिख दिया लेफ्ट, तो ये मिरर के अंदर कैसा दिखेगा इमेज के रूप में? कॉपी पे बना लिख के देखो जरा. लेटरल इनवर्टेड. सबसे पहले देखो ये टी ऊपर को जा रहा है ना, उधर को ऐसे नीचे को जाएगा, गॉट इट? फिर ये एफ उधर को जा रहा है, टी की तरफ चेहरा फेस करा हुआ एफ ने, हम भी लिख देंगे. फिर ये ई ने एफ की तरफ फेस करा हुआ ऊपर को जा रहा है, हम भी ऐसे करेंगे. फिर एल का ये वाला डंडी ई की तरफ जा रहा है, हम भी लिख देंगे ऐसे, ये दिखेगा इस तरह से, आपने बना देना. 11th question, which of the following letters will appear same in the plane mirror? Plane mirror. The D option. Sir, H. देखो H तो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, अगर मिरर के आगे H रख देंगे तो H ही दिखेगा, got it? और M भी तो M ही दिखेगा बेटे, नहीं? अगर मिरर के आगे रखेंगे तो एम नहीं बेटे, ओ ऐसे तो बहुत सारे हैं, हमने इन्हीं में से आंसर देना है ना. ये पहले ये बताओ एस हमें सेम दिखाई देगा या नहीं देगा? चलो नहीं बेटे, एस हमें सेम दिखाई नहीं देगा, कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं एस में. अगर ये एस ऐसे है तो उधर से एस ऐसे दिखेगा पुट्ठा सा, ये तो जेड सा बन गया, एस नहीं दिखेगा. और बी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर बी हमें बाहर ऐसे दिखाई देता है जैसे मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, ये सॉरी, इधर हमें बी ऐसे दिखेगा तो उधर बी ऐसे दिखेगा, उल्टा सा दिखेगा. तो हमारे पास दो ही आंसर हुए, एच और एम, ये दोनों बिल्कुल सेम दिखाई देंगे मिरर में. कौन सा ऑप्शन सही बना? बी ऑप्शन में लिखा है एंड टू. वन पे क्या लिखा है? एच. और टू के ऊपर क्या लिखा है? एम. तो ये ऑप्शन सही हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट. ओके, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. 12 क्वेश्चन कौन बच्चा मेरे लिए पढ़ेगा फ्रंट पे आकर? Yes, please. Yes. Can I? Yes, you can read. A person looks into the mirror by placing it close to his face. The image of his face was erect, laterally inverted, and the
same size, then the mirror must be. Can you tell the answer also? Yes. Please tell me the answer. Sir, concave. नहीं बेटे गड़बड़ कर दिया आपने. प्लेन मिरर. प्लेन मिरर क्योंकि बेटे प्लेन मिरर के अंदर ये मैंने प्लेन मिरर बनाया वो इक्वल साइज भी तो कह रहा है बच्चे. प्लेन मिरर ये बड़ा है ना उसके पास अगर ये कोई भी पर्सन अपना फेस देखेगा ऐसे तो उसको अपना फेस बराबर के साइज का दिखेगा इमेज में. ओके तो अगर आईज ऊपर की साइड पर है तो इसमें भी ऊपर है इरेक्ट दिखेगा और सेम साइज. हाँ वो मेरा बच्चा है ना इसलिए गलती खा गया होगा उसने इसको इन्वर्टेड पढ़ लिया होगा. इन्वर्टेड नहीं बेटे लिखा हुआ लिटरली इन्वर्टेड. लिटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर इस बंदे के यहां पर दोनों कान हैं और एक कान के ऊपर उसने ईयर रिंग भी डाला हुआ है तो ये उसका राइट ईयर है जबकि इमेज के अंदर उसके लेफ्ट ईयर में ईयर रिंग दिखाई देगा तो राइट ईयर जो है ना उसका वो लेफ्ट बन जाता है. इस तरह से साइड चेंज हो जाना इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन. इसलिए ये सारे करैक्टर हमें प्लेन मिरर से ही मिलते थे. ओके लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन. 13th क्वेश्चन मेरे को पड़ेगा बटे 7th एफ में से सपना बच्चा पड़ेगा. सपना 7th एफ में से. A pin A is placed in front of the plane mirror. Where is the image of the pin formed? शाबाश. ये बच्चा कह रहा है कि यहाँ पर पिन लगा हुआ है. देखो ध्यान से यहाँ पर पिन लगा हुआ है बेटे ऐसे पिन ए वाला पिन जो आप यूज करते हो आपको पता है इस तरह से पिन होता है उसको यहाँ पर लगा दिया हमने ए पॉइंट के ऊपर और ऑब्जर्वर का आंख यहाँ पर है और प्लेन मिरर ये बना हुआ है प्लेन मिरर. अब हुआ क्या कि पिन से इधर उधर से लाइट पिन पे टकराई वहां से रिफ्लेक्ट होके मिरर की तरफ गई और ऑब्जर्वर की आंख में आई तो ऑब्जर्वर की आंख हमेशा ये सोचती है कि स्ट्रेट लाइन में लाइट आई तो उसको पिन का जो इमेज दिखाई देगा पिन का इमेज पी पॉइंट पे दिखाई देगा या क्यू पॉइंट पे दिखाई देगा या आर पॉइंट पे दिखाई देगा बताओ. सर मे आई. यस यस सर आर पॉइंट. आर पॉइंट पे क्योंकि ये बच्चा जानता है कि स्ट्रेट लाइन में लाइट की प्रॉपर्टी है आंख ये सोचती है हमेशा लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन सो आर पॉइंट से दिखेगी. अगर पीस हम अगर कोई बच्चा गलती से क्यू का जवाब देता तो उसको लाइट ऐसे मोड़नी पड़ती. मोड़ने का तो गुण होता ही नहीं लाइट में. लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन क्या होता है नाम प्रॉपर्टी का. Rectilinear propagation is the property by which we can say confidently that ray of light always travels in straight line. P तो बिल्कुल ही गलत है. अगर P होता तो light को इधर से ऐसे आना पड़ता. लो इतना थोड़ी light तो मुड़ती ही नहीं. बहुत ही मुड़ती. Let's move to the question number 14. नहीं 14 तो है नहीं. Assertion reason. Assertion reason. ओके assertion reason में बेटे ये बता रहा है अगर आपका assertion सही है तो आप assertion भी सही हो सकता है reason भी सही हो सकता है और reason can be the correct explanation of assertion. Reason can be the correct explanation of assertion. और नहीं भी हो सकता. ठीक है तो इस तरह से बहुत से हैं. अगर दोनों सही हैं assertion और reason और correct explanation भी है तब ये A option बना. अगर दोनों सही तो हैं लेकिन correct explanation नहीं है तो B option बना. और अगर assertion तो सही है लेकिन reason गलत हो गया तो C option है. और अगर reverse हो गया
assertion गलत हो गया और reason सही हो गया, तो डी ऑप्शन। ओके, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। सारे जवाब दो मिलके, तो मैं भी ऐसे ही लिखूंगा अपने बच्चों की तरह, ट्रू, बिल्कुल सही। और रीजन, ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट बिहाइंड द मिरर। True. Yes. जब भी डाइवर्जेंस आ जाए ना, तो वर्चुअल इमेज, और कन्वर्जेंस पे रियल इमेज। तो इसमें भी मेरे बच्चों ने बोला टी आर यू ई, ट्रू। सो अजर्शन भी सही, रीजन भी सही, लेकिन आपस में इनका कोई लिंक नहीं है, है? चलो कंक्लूड, अगर इसमें मिरर मेंशन नहीं करा ना, ये देखो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में तो कन्वर्जेंस होती नहीं, ये जो नीचे वाला डाइवर्जेंस पॉइंट है ये तो कर्व्ड मिरर में था, इसलिए अगर ऊपर कर्व्ड मिरर होता तब तो नीचे वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता था, ये तो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में तो डाइवर्जेंस होती नहीं है, वो तो स्ट्रेट पैरेलल बीम ही रहती है, इसलिए अजर्शन रही, रीजन सही, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। Moving to the second, lateral inversion occurs because left side of the object on the right side of the mirror image. बोलो ये true. तो second question भी मेरे बच्चे ने बोला प्यारा सा true, बिल्कुल सही। और reason, the image formed in a plane mirror is laterally inverted. ये भी ट्रू, शाबाश, तुमने तो मेरे को एरो बनाने की आदत ही डाल दी बच्चों, ये दोनों ट्रू हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है ले, हाँ ये दोनों का बिल्कुल सही, इस बार ये दोनों प्लेन मिरर हैं और लेटर लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बनता है, इसलिए ये अजर्शन भी सही, रीजन भी सही और एक्सप्लेनेशन भी सही। कौन सा ऑप्शन? A option, very good. Let's move to the third question. The size of the image formed by the plane mirror of a plane by a plane mirror is small as comparison to the object. कुछ बच्चों को मतलब नहीं समझ आता कि हम जब अपना सुबह ड्रेसिंग टेबल में फेस देखते हैं प्लेन मिरर में, तो वो चेहरे का इमेज छोटा करके दिखाता है, जी नहीं, वो तो बराबर का दिखता है, इसलिए अजर्शन हो गया वॉल्स, है ना, वॉल्स हो गया, ये बंदा ऐसे इमोज दिखाएंगे, वॉल्स। आगे देखो, रीजन, ए प्लेन मिरर क्रिएट्स ए वर्चुअल इमेज, ये वाला सही है, इसके लिए हम इमोज कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, स्माइलिंग, ट्रू, गॉट इट, ये कहता है रीजन इज करेक्ट, ये कह रहा ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग, कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन, वेरी गुड, दैट्स लाइक द ओबीडिएंट स्टूडेंट्स, बढ़िया एनर्जी है बच्चे, आज आपको मानना पड़ेगा कितनी एनर्जी से पढ़ रहे हो, इतनी में तो मेरी में भी नहीं है इतनी एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी वन, ये देखो बस दो मिनट लूंगा, बस दो मिनट, ये इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसमें डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, बस आपने बताना है इनमें से कौन सी चीज हमें देखने में मदद करती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, यस, विच रिफ्लेक्शन इज यूजफुल फॉर अस, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, यस और नो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक से हम टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, ये वाला हम टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, इससे मैंने बोला था बुक से पढ़ते हैं, और एक से हम इमेज दिखता है हमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, डज दीज लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉलो द लॉज, यस यस, ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, देखो बेटे इसमें, एट विच पॉइंट द इमेज ऑफ द टॉय विल बी फॉर्म्ड, ये टॉय है, इसका इमेज कहां बनेगा, टू
0.2। देखो लाइट ऐसे आई, मिरर से टकराई और आंख में चलेगी, आंख सोचती है यहाँ लाइट इधर से आएगी, बिल्कुल सही, स्ट्रेट लाइन से। टू इज करेक्ट। टू पॉइंट, व्हाट टाइप ऑफ द इमेज इज फॉर्मड इन द मिरर? वर्चुअल एंड अपराइट। वर्चुअल एंड अपराइट मैंने, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी सही हुआ। आज का लेक्चर समझ आया अपने बच्चों को? बेबियर हेड, यस, थैंक यू फॉर कॉपरेटिंग सर सो वेल। मिलते हैं अगली बार बेटे। बोले, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे बोलो सर। केस स्टडी वन का थर्ड क्वेश्चन रह गया। केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन, डज दिस बोथ रिफ्लेक्शन? यस सर। ये बेटे दोनों ही फॉलो करते हैं, दोनों ही फॉलो करते हैं। ओके ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं। शाबाश, थैंक यू।